गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। आज देखो अपन करेंगे जो कल टॉपिक हुआ था समांतर प्लेट संधारित्र का विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व अर्थात एकांक आयतन की ऊर्जा उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपके पास उदाहरण 4.15 अर्थात एग्जांपल 4.15 क्या दिया है समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 90 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल फिर तथा उनकी मध्य की दूरी डी ये एक मान डी 2.5 मिलीमीटर है इसको 400 वोल्ट आपूर्ति से जोड़कर यानी बी का मान है आवेशित किया जाता है संधारित्र द्वारा संचित स्थिर विद्युत ऊर्जा का मान ज्ञात करें तो सबसे पहले आपके पास जो दिया है क्या दिया है क्षेत्रफल ए बराबर 90 सेंटीमीटर स्क्वायर वेरिकल सारे हम के पंक्ति में मान चेंज करते हैं सारे के सारे सेंटीमीटर होता तो 10^-2 स्क्वायर है तो 10^-4 हो जाएगा ये जो मनाएगा आपके पास 90 × 10^-4 मीटर स्क्वायर फिर है बीच की दूरी डी बराबर 2.5 मिलीमीटर या 2.5 × 10^-3 मीटर वी वी बराबर दिया है 400 वोल्ट फिर है संचित ऊर्जा यू बराबर आपसे पूछा देखो आपके पास है ए डी वी ये जो मान इससे आपको क्या मान निकालना है संचित ऊर्जा का सूत्र आपने संचित ऊर्जा संधारित्र द्वारा संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा यू बराबर 1/2 CV² हो सकता है यू बराबर आपके पास है क्यू ये क्यू स्क्वायर अपॉन 2C हो सकता है और V बराबर Q × V हो सकता है ये जो मान आपके पास है तो इसमें जो मान अपने पास है A दिया D दिया है आपके पास तो B दिया है तो ये जो मान है इसमें Q का मान 3 ही दिया तो इसमें आपके पास इस हिसाब का मान पुट अप करना है कि ये जो है गणना कर अपन कर सकें आराम से इसमें दिक्कत नहीं है कोई है। तो चूंकि V दिया है C का मान निकाल सकते हैं चूंकि U बराबर होता है 1/2 CV² ए और डी दिया है इससे सी की वैल्यू निकाल सकते हैं बी की पहले से दी है आपके पास बट सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी आता है या इसलिए यू बराबर 1/2 ये सी की जगह एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी और आगे बी स्क्वायर अब इसका मान रखेंगे सभी रास्तों का मान रखते हैं अपन यू 1/2 × εr 8.85 × 10^-12 ए 90 × 10^-4 वी स्क्वायर 400 है तो 400 × 400/d और d की जगह दिया 2.5 × 10^-3 ये जो मान आपके पास है इसमें आप जो भी है पहले तो घातांक हल कर लो इसमें u बराबर 8.85 × 9 × 4 × 4 कर लो × 9 × 4 × 4 घात −12 और 4 − 16 और बाकी करो तो आप 2 × 2 = 4 ये होगी 2 ये प्लस की घात 2 ये 4 1 प्लस की घात ये 5 5 प्लस की 12 × 4 = 16 आपके पास कितने हैं माइनस की आपके पास 16 प्लस की 5 तो 10^-11 बचेगा 10^-11 2.5 × 10^-3 ये भी ऊपर चली जाएगी तो प्लस हो जाएगी तो 11 और प्लस की 3 8 बचेंगे आपके पास तो ये जाएगा यू बराबर 8.85 × 9 × 4 × 4 × 10^-8/2.5 फिर देखो ये पॉइंट कटाएंगे यहाँ 10 ये पॉइंट कटाएंगे बटा में 100 यानी ऐसा भी है मैं हल करूँ बाकी आप छोटा करके रफ करना आपको यहाँ से ये 4 ऐसा कुछ नहीं लिखना सीधा जो इनको 8.85 को 9 × 4 से गुणा करना बटा 2.5 रखना सीधा ये 8.85 × 9 × 4 × 4 × 10^-8 पॉइंट
और 10 और बटा में 8.85 का कॉइन हटाएंगे 100, ये एक जीरो कट जाएगा, एक घात और चली जाएगी, माइनस 9 हो जाएगा। तो यू बराबर 8.85 गुणा 9 गुणा 4 गुणा 4 और गुणा 10 की घात माइनस 9 और बटा में आपके पास है 2.25 हो जाएगा, एक पॉइंट हट जाएगा, यहाँ भी 25 से इसको आप काट के फिर इसको हल कर लेना, इतने जूल आएगी। आगे का जोड़ बाकी गुणा भाग आप कंप्लीट कर लेना, इतने जूल आएगा। अगला छोटा सा टॉपिक है देखो, उसमें इसी से रिलेटेड, ये दोनों मेरी गलत है, आपको नहीं है तो फिर वापस पूछ लेना। संधारित्र के संयोजन में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा, संधारित्रों के संयोजन में, संधारित्रों दो छोटे छोटे टॉपिक में, संधारित्रों के संयोजन में विद्युत स्थितिज ऊर्जा कितने प्रकार से संयोजन किया था आपने? दो प्रकार से, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। पहले श्रेणी के लिए निकाल लेते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। देखो माना अलग अलग धारिता के एन संधारित्र, माना अलग अलग धारिता के एन संधारित्र कौन से क्रम में जुड़े? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिनकी धारिता C1, C2, C3 डॉट करती क्या है? CMN, C1, C2, C3 डॉट करती कितनी है? CNN। अतः संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डॉट करके 1/CN। ज्ञात करें ऊर्जा, संधारित्रों के संयोजन की ऊर्जा, अतः संधारित्र की विद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर, देखो बटा में CR है तो आपको नहीं करना, ये लिखना Q2/2C। कारण क्यों लिखा है सूत्र देखो, पहले तो बटा में CS, दूसरी बात संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश का परिमाण नियत रहता है, बदलता नहीं है आवेश, इसलिए Q2 वाला अपन ने साथ में लिया। तो यह जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं? CS इसके रूप में 1/CS के रूप में, ये मान आप यहाँ रखेंगे तो आ जाएगा U बराबर, यानी ये इसको लिख सकते हैं Q2/2 गुणा 1/CS और 1/CS की वैल्यू है आपके पास, तो U बराबर Q2/2 और इंटू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डॉट करके 1/CN। Q2 को इससे गुणा करेंगे आप ऊपर, जाएगा U बराबर Q2/1/2C1, तो आएगा Q2/2C1 प्लस Q2/2C2 प्लस Q2/2C3 प्लस डॉट करके Q2/2CN। आप जानते हैं कि Q2/2C U होता है, तो C1 के लिए U1 प्लस U2 प्लस U3 आ जाएगा, U बराबर U1 प्लस U2 प्लस U3 डॉट करके U। ये ऊर्जा आएगी संधारित्रों के संयोजन की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब है समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम, दूसरा समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन आपके पास आएगा, सेम वही क्वेश्चन है, माना अलग अलग धारिता के एन संधारित्र समांतर क्रम संयोजित हैं, जिनकी धारिता C1, C2, C3 डॉट करके CN है, यानी एन अलग अलग धारिता के एन संधारित्रों का संयोजन किया गया, जिनकी धारिता अपन मानते हैं C1, C2, C3 डॉट करके CN। अतः समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता आप करते हैं CP बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट करके CN किया गया। अब समांतर क्रम संयोजन में विभव समान और आवेश का मान अलग अलग होता है, विभव समान, तो इसके लिए जो सूत्र लेंगे, अतः समांतर क्रम संयोजन में विद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/2 CV2, V कांस्टेंट है, धारिता अलग अलग है, या C की जगह CP करेंगे, ये CP का मान यहाँ रख देंगे तो U बराबर 1/2 CP की जगह ये V2 आप बाहर ले लो, V2 / 2 और CP की जगह आपके पास है C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट करके C, मल्टीप्लाई करो उसको,
मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मान आएगा आपके पास u इज बराबर सी वन बी स्क्वायर बटा दो, यानी एक बटा दो सी वन बी स्क्वायर प्लस एक बटा दो सी टू बी स्क्वायर प्लस एक बटा दो सी थ्री बी स्क्वायर और प्लस डॉट डॉट करके एक बटा दो सी एन वी स्क्वायर। आप जानते हैं कि एक बटा दो सी वी स्क्वायर होता है u, तो वन वाले की जगह u1 u2 u3, तो u बराबर इसको लिख सकते हैं u1 प्लस u2 प्लस u3 और डॉट डॉट करके un। अतः इससे स्पष्ट होता है कि संधारित्रों के संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन में कुल ऊर्जा अलग अलग संधारित्रों की ऊर्जाओं के योग के क्या होता है बराबर होता है। दोनों में मान बराबर आ रहे हैं दोनों में, यानी संधारित्रों को चाहे श्रेणी क्रम में जोड़ो चाहे समांतर क्रम में जोड़ो उनकी कुल ऊर्जा का मान अलग अलग संधारित्रों की ऊर्जाओं के योग के बराबर होता है। बाकी करेंगे कल, कल का टॉपिक और भी महत्वपूर्ण है, बोर्ड में करीब करीब क्वेश्चन पूछा जाता है करीब करीब ही, और लास्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का, मतलब लास्ट टॉपिक है इसके एग्जांपल वगैरह करके अपन बाकी लघुतरात्मक क्वेश्चन फिर बहुचयनात्मक सॉरी बहुचयनात्मक लघुतरात्मक और अति लघुतरात्मक में आपके क्वेश्चन ज्यादा नहीं है एक दो है वो मैं बता दूंगा, बाकी न्यूमेरिकल्स अपन कल करेंगे।